दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जाने वाली सीरीज के लिए रोहित और धवन की जोड़ी हुई फिर, अब तेरा क्या होगा राहुल। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज को हरा दे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया का मंथन जारी है। भारत की अगली सीरीज वेस्टइंडीज के साथ होनी है, लेकिन निगाहें वर्ल्ड कप पर टिकी हुई है। कप्तान केएल राहुल की अगुवाई में मिली 0-3 की हार ने कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल खुद केएल राहुल को लेकर खड़ा होता है। जब रोहित शर्मा की वापसी होगी तो केएल राहुल का टीम में क्या रोल होगा। दरअसल साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन की टीम में वापसी हुई थी, रोहित शर्मा चोट की वजह से नहीं खेल पाए। ऐसे में शिखर धवन के साथ ओपनिंग के लिए केएल राहुल की जगह फिक्स हो गई थी, लेकिन अब जब अगली सीरीज में रोहित शर्मा वापस आएंगे तब उनके साथ ओपनिंग कौन करेगा, ये भी अब एक सवाल है। क्योंकि शिखर धवन ने जैसे टीम में वापसी की है और रन बनाए हैं, उन्हें टीम से बाहर करना काफी मुश्किल होगा, यानी फैंस को एक बार फिर से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिखाई देगी। वर्ल्ड कप के लिए गब्बर और हिटमैन की जोड़ी सुपर हिट साबित हो सकती है। अगर रोहित शर्मा शिखर धवन ओपनिंग करते हैं तो केएल राहुल तीसरे नंबर पर आ सकते हैं, लेकिन वह जगह विराट कोहली की फिट है। ऐसे में विराट कोहली की जगह बदलना काफी मुश्किल होगा, इसीलिए केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। साउथ अफ्रीकी सीरीज में जिस तरह से मिडिल ऑर्डर की पोल खुली है, ऐसे में तब केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में मौके भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा कि ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव की पोजीशन चेंज करना या फिर किसी की छुट्टी करना। केएल राहुल के करियर को देखें तो उन्होंने चौथे और पांचवें नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी की है। केएल राहुल चौथे नंबर पर 5 बार बल्लेबाजी करने उतरे हैं, इनमें उनके नाम 40 की औसत से 160 रन है और एक शतक भी है, जबकि पांचवें नंबर पर वह 10 बार बल्लेबाजी करने उतरे हैं जिनमें 56 की औसत से 453 रन बनाए हैं और एक शतक भी जड़ा है। टीम इंडिया अगर इस फार्मूले पे आगे चलती है तो वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर वाला बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।